नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। हांडला शकुंतला कृषि महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हांडला के शकुंतला महाविद्यालय में कृषि विज्ञान बीकॉम कंप्यूटर व टैक्सेशन तथा सामाजिक सोशल वर्क बीएसडब्ल्यू में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। शकुंतला कॉलेज का पोस्टर विमोचन श्रीमती शकुंतला मूथा के हाथों हुआ। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था के चेयरमैन राहुल सुरेश मूथा और प्राचार्य एसएस शर्मा ने संस्था की गतिविधियों तथा संचालन की जानकारी देते हुए बताया कि यहां बच्चों को हाई फैकल्टी के साथ कौशल विकास के स्वरोजगार कोर्स भी निःशुल्क सिखाए जाएंगे तथा शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। शकुंतला महाविद्यालय को प्रारंभ करने का है कि यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो शिक्षा मिल सके जिसके लिए छात्र बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी विषय थानला पिटला दोनों विधानसभा दोनों तहसील में नहीं है, उन सब्जेक्ट को हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। बीकॉम्स में कंप्यूटर और टेक्सटाइल ऐसे दो सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, उनको हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और एक बीएसडब्ल्यू बोलते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क, वो सब्जेक्ट भी कहीं नहीं है तो उसको हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग का पूरा उद्देश्य ये है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर अच्छी एजुकेशन अच्छी शिक्षा मिल सके जिससे यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट नौकरी के लिए आगे प्रोत्साहन मिल सके। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आदिवासी छात्रों को सामान्य छात्रों को जो विषय लड़कियों को खासकर कि लड़कियों को माता पिता बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज सकते थे और वो विषय आज इनको उपलब्ध हो गया, घर से यहाँ थानला प्रॉपर से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ स्कॉलरशिप से संबंधित हैं वो तो बच्चों को प्रोवाइड होंगी ही। आसपास के थानला के जो बच्चे हैं उनको आवास की सुविधा भी गवर्नमेंट की तरफ से एसटी और एससी वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मिलती है, वो भी हमारे माध्यम से उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हमारा और हमारी संस्था का ये प्रयास रहेगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और सचमुच में जिनमें काबिलियत है उनके लिए हम, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनके पास पैसा नहीं है तो हमारी संस्था प्रयास करेगी कि उनकी भी हम लोग मदद करें और हमारी तरफ से हमारे उसमें उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। एग्रीकल्चर कृषि सब विषय ऐसा है जिसमें यहाँ के 90% पॉपुलेशन जो जनसंख्या है कृषि आधारित है और यहाँ के जो बच्चे हैं किसान के जो बच्चे हैं वो कृषि आधारित विषयों में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको यह सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वो बाहर जाते हैं। हमने उसी उद्देश्य को पूरा करके यहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि संबंधित विषय लेके आए हैं और उन विषयों को पूरा एजुकेशन देने के लिए, उन विषय में अच्छी पढ़ाई देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए हम अच्छे से अच्छी लेबोरेटरी, अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी से अच्छी क्लासरूम की व्यवस्था, अच्छे से अच्छी फैकल्टी जब बाहर से टीचर हम बुला सकें, शिक्षक बुला सकें ताकि उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लासेस और शिक्षा का ज्ञान दे सकें। हमें स्थान सीमित है, जो सब्जेक्ट हमने जो विषय चुने हैं उन विषयों का यहाँ पर जो फोकस जो स्कोप देखते हुए हमें लग रहा है कि हमें जो सीट मिली वो कम सीट मिली है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सीट की लिमिटेशन है। तो 60 सीट पर विषय के हिसाब से हमें सीट प्रोवाइड की गई है। 5 विषय की 300 सीट हमें उपलब्ध हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 60, बीएसडब्ल्यू में 60 और बीकॉम में 60 सीट हमें उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ कौशल में हमारे पास विकास कौशल विकास भी हम उसमें उपलब्ध करा रहे हैं, साथ साथ में कौशल विकास उनका हम मोटिव कर रहे हैं कि कौशल विकास उनका उसमें प्रशिक्षण हो और वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट या प्रारंभ कर सके। हमें मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार दोनों अपने अपने योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड कराती है कि इन बच्चों को आपको 3 महीने तक सिलाई की प्रशिक्षण देना है, इन बच्चों को कार ड्राइविंग का प्रशिक्षण देना है, इन बच्चों को पार्लर का प्रशिक्षण देना है और उन्हीं बच्चों को हम ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराकर और उनको स्वरोजगार के लिए हम लोन प्रोवाइड कराते हैं या स्वरोजगार के लिए उनको
टोटल मोटिव पर। तो अभी हम इसमें ये रखेंगे कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, ये पांच विषय हैं, इनसे संबंधित कौशल विकास के जो प्रोग्राम होंगे वो हम गवर्नमेंट से लेकर जिससे उनको प्लेसमेंट में उनके रोजगार के लिए बेहतरी और बेहतरी हम लोग कर सकें उसके लिए प्रयास करें। अच्छा, उसमें उपलब्ध है जैसे बीकॉम सब्जेक्ट हमने लिया है तो बीकॉम सब्जेक्ट से संबंधित जीएसटी टेली अकाउंटिंग होता है और कंप्यूटर अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, एक मैनुअल अकाउंटिंग होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने का कोर्स दिया है कि 3 महीने तक आप जीएसटी टेली अकाउंटिंग बच्चों को फ्री पढ़ाएं और उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी उन बच्चों को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए और ताज़ा खबर व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।